उन्नाव से अनमोल श्रीवास्तव बयूरो चीफ की रिपोर्ट। दलित युक्ति पूजा हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह से मिलने पहुंचे शिवपाल उन्नाव। दलित युवती पूजा हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह से जेल में मुलाकात की। उसके बाद प्रसपा की महिला जिला अध्यक्ष अलवी मिश्रा से जेल में मुलाकात की। अलवी मिश्रा के ऊपर अपनी भाभी का अपहरण का मुकदमा दर्ज है, इसलिए वह जेल में है। इसके बाद प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया, हमारी पार्टी के नेता जेल में बंद है, हम उनसे मुलाकात करने के लिए आए। आजम खान की तबीयत अस्वस्थ है और उनका इलाज चल रहा है, तो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर आए, सत्र चल रहा है। उन्होंने योगी जी के कामों की बड़ाई की। जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो बड़ाई के काबिल है उसकी तो बड़ाई की ही जाएगी। बाइट शिवपाल यादव। और प्रधान भी है गाँव तो बंद कर दिया, और जब भी ऐसा कोई केस है नहीं दिया है। आपके पार्टी के एक नेता के पिताजी भी यहाँ बंद है, पूर्व ब्लॉक काउंसिल हाँ वो भी बंद है, वो भी बंद है। उससे भी चलते चलते मुलाकात कर दी। सदन में अखिलेश और जो है मौर्या जी के बीच जो कुछ भी हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सदन की गरिमा के अनुरूप है? आप देखिए, कभी कभी जेलों जब कोई बात ऐसी होती है, लेकिन वो सब जिम्मेदारी होती है अध्यक्ष बल के नेता, सदन और विपक्ष के नेता। और ये जब कभी कुछ बात उत्तेजना आती है, जब उत्तेजना वैसे तो संस्कृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप लोग खुद ही समझते हो बातें होती हैं। लगातार नेता सदन आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कब तक भाषा ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं, अब तारीफ में कुछ अच्छाइयाँ होंगी तभी तो कर रहे हो। भाषा ज्वाइन करने का भी कोई इरादा नहीं है? अध्यक्ष जी, देवबंद के मौलाना ने कहा है कि जो ये सिविल कोड आ रहा है उसको हम लोग नहीं मानेंगे। अब देखिए, रिपोर्ट को तो अभी तो रिपोर्ट की बात तो सबको माननी है, सुप्रीम कोर्ट की। और देखिए, सभी को अधिकार भी है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात बताने का। आजम खान की तबीयत कल रात में खराब हो गई, क्या करनी चाहिए? अब उनकी तबीयत तो खराब है, चलिए रही है, अब इलाज के लिए गए हैं। अब हम तो यही कहेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद।